सब्सक्राइब कीजिए डीएचएम गुरु जी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि आप पा सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तड़ित झंझा का निर्माण तब होता है जब नमी युक्त गर्म वायु ऊपर वायुमंडल में जाती है। जैसे जैसे नमी युक्त गर्म वायु उच्च उन्नताश पर वायुमंडल में जाती है, जल वाष्प पानी में बदलती है और कपासी मेघ का निर्माण होता है। जैसे जैसे गर्म वायु ऊपर की ओर बढ़ती है, कपासी बादल बड़े तूफानी बादलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब तूफानी बादलों से पानी की बूंदें भारी मात्रा में अवमुक्त होती हैं, तड़ित झंझा का निर्माण होता है। तड़ित झंझा के साथ बिजली भी कड़कती है। जब तड़ित झंझा समुद्र के गर्म पानी के ऊपर चलते हैं, वे चक्रवातों का निर्माण करते हैं। तड़ित झंझा की गर्म वायु समुद्र की सतह की गर्म वायु से मिलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। विपरीत दिशाओं में परिवाहित होने वाली पवनें तड़ित झंझा के घूमने के कारण बनती हैं। ऊपर की ओर जाती हुई गर्म वायु उच्च उन्नताश पर कम दाब वाला क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब महासागर की सतह से अधिक गर्म वायु को निरंतर खींचता है और इसे ऊपर उठाता है, साथ ही ठंडी वायु नीचे लाई जाती है। घटनाओं का यह चक्र उच्च वेग वाली पवनों से घिरे बहुत कम दाब वाले तंत्र का निर्माण करता है। चक्रवात का केंद्र तूफान का नेत्र कहलाता है। तूफान का नेत्र उसका सबसे शांत क्षेत्र होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस घंटी को ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे।